हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। कैसे हैं आप सभी? रक्षाबंधन की बधाइयां देते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी रक्षाबंधन कल था या आज था कुछ पता नहीं है, सारे फेस्टिवल दो दो दिन हो गए। ये ज्योतिष पंडितों का ज्ञान हमें दो दो दिन सेलिब्रेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन लाइफ हमें सेकेंड चांस नहीं देती। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने डेस्टिनेशन को पा सके। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंसेस हम पढ़ रहे थे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया था चारों पार्ट, पास्ट टेंस कवर कर लिया था चारों पार्ट। आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। भविष्य कैसे? भविष्य तो किसी को भी नहीं पता होता ना, क्या करते हैं हम? अनुमान लगाते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया अजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो अजम्पशन जब हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो पाएगा, तो फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो किस सेंस में? हमेशा गा के सेंस में ही आएगा। बिना गा को लगाए यूज किए आप फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ट्राई करिएगा। चलिए इनडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट टेंस रूल को माइंड में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पर हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा, डाउट्स भी क्लियर होंगे और जल्दी समझ में आएगा। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। शेल किसके साथ में लगता है? सिर्फ आई और वी। आई और वी के साथ में शेल लगेगा, बाकी सभी के साथ में विल लगेगा। तो सब्जेक्ट विल शेल वी वन ऑब्जेक्ट वैसी तो है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या देखो, हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, एस और ई एस लग रहा था, वी वन ऑब्जेक्ट लग रहा था, और पास्ट में क्या था, वी टू डिड प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, गागी गे के सेंस में विल और शेल। बाकी पूरा रोल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली और वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। राधा मेरे साथ बाजार जाएगी। राधा सब्जेक्ट हो गया, विल और शेल तो विल आएगा क्योंकि हम आई और वी के साथ में ही शेल लगाएंगे। तो राधा विल क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। गो, गो टू मार्केट। कहाँ, ऑब्जेक्ट आ गया मेरे साथ, तो विद मी। राधा विल गो टू मार्केट विद मी। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, क्या रूल कहते हैं, सब्जेक्ट विल शेल उसके बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट आता है, हमने बाकी दोनों टेंसेस में पढ़ा, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। राधा मेरे साथ कॉलेज नहीं जाएगी, अब बाजार जाएगी तो कॉलेज नहीं जाएगी ना, तो राधा सब्जेक्ट विल और शेल विल Not go to market with me. Interrogative sentences. WH family same rule, helping verb apply करेंगे जो कि will shall है, plus subject plus we one plus object. क्या रमा रोज स्कूल यहाँ पे तो जाती है हो गया, तो my mistake. क्या रमा रोज स्कूल जाएगी? तो ये क्या है, WH और नॉन WH? नॉन WH, ध्यान रखिए जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा वो नॉन WH का पार्ट होगा, मतलब उसमें इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश नहीं आएगी, सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो विल रमा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, विल रमा गो टू स्कूल। देखो विल रमा गो टू स्कूल, कब, ऑब्जेक्ट आ गया आपका टाइम डेली। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या कहता है, मैं सब्जेक्ट के बाद आऊंगा, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम रोज मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, तो अब क्यों बीच में आया, WH का पार्ट हुआ, इंटरोगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। व्हाई, अब क्या है, सब्जेक्ट हमारा हम, मतलब वी,
वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? जी हाँ, शेल. Why shall we not go to temple daily? समझ में आया? क्लियर? चलिए आप कंटिन्यूस देखते हैं. कोई भी डाउट, कोई भी मैसेज, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए. आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. विदाउट हेजिटेशन आप अपना डाउट और क्वेरी उधर मेंशन कर सकते हैं. कंटिन्यूस टेंस की बात करें, कंटिन्यू है, रहा होगा, अब और किसका कंटिन्यू है? फ्यूचर का, तो रहेगा या रहा होगा. ठीक है. अफर्मेटिव टेंस के कहते हैं सब्जेक्ट विल शेल. अब इसमें क्या लगाएंगे हम? बी. ठीक है, होना, रहा होगा, होने वाला फॉर्म आ रहा है तो बी का मतलब होना. तो सब्जेक्ट विल शेल, वैसे ही शेल आई और वी के साथ में, प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. मेरी माँ पूजा कर रही होंगी. पता नहीं है बच्चा कहीं बाहर है या आप कहीं बाहर हो. क्या है? एज्यूम कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो रहा होगा. तो मेरी माँ पूजा कर रही होंगी. माय मदर विल बी वर्शिपिंग. वर्शिप्ड, वर्शिपिंग सिंगल भी होगा. वर्शिप्ड डबल पी आता है, सिंगल पी. माई मदर विल बी वर्शिपिंग. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंसेस का बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? विल शेल. बी तो एडिशनल आया ना. हमने क्या पढ़ा था? जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट की जो पोजीशन है, अगर जब वो नहीं है तब भी तो ठीक है, लेकिन अगर नॉट आएगा तो अपनी पोजीशन पर ही आएगा. एडिशनल जो भी होगा वो उसके बाद जाएगा. सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. मेरी बहन टीवी नहीं देख रही होगी. ऐसा कैसे हो सकता है? होगा. माय सिस्टर, तो आप इसको बोलोगे कैसे? ये समझिए. ठीक है, ये तो हो तो सकता है लेकिन बोलना कैसे है इसको समझेंगे. माय सिस्टर, क्या है सिस्टर? आई ओ वी नहीं है तो विल लगाएंगे. माय सिस्टर विल नॉट बी, माय सिस्टर विल नॉट बी वॉचिंग टीवी. मैंने पढ़ा, मैंने अपना एक शॉर्ट्स में आपको बताया था देखने के लिए कौन सी इंग्लिश यूज होती है. तो जब ऑडियो वीडियो एक साथ देखते हैं हम तो उसके लिए लगता है वॉच. वॉच द वॉचिंग द टेलीविजन. माई सिस्टर विल नॉट बी वॉचिंग द टेलीविजन. इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम. डब्ल्यूएच फैमिली विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर. मैंने यहाँ पे मेंशन किया होता है क्या है ये वी फोर. बताया था, याद है? भूल गए. मैंने आपको बताया था वी फोर होता है वी वन प्लस आई एन जी, इसलिए मैंने लिखा है वी फोर ताकि आप इस टर्म से यूज टू हो जाएं, आपको पता हो, फेमिलियर हो जाएं कि हाँ वी फोर होता है. अगर आपको नहीं है जानकारी तो वैसे हो सकता है आपको पता हो, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी जानना जरूरी है. तो हम वी वन आई एन जी को वी फोर भी कहते हैं, इसलिए मैंने वी फोर यूज किया है. वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. वह इस समय क्या कर रहा होगा? तो अब यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या बीच में आया, यहाँ पे क्या शुरू में था. जब शुरू में था तो ये नॉन डब्ल्यू एच हो गया, लेकिन जब ये बीच में आया है जैसे क्यों आया वैसे ही क्या आया है, तो ये क्या है? डब्ल्यू एच का एग्जांपल हुआ. डब्ल्यू एच का एग्जांपल हुआ तो क्या करेंगे? क्या की इंग्लिश पहले लगाएंगे. तो क्या को क्या कहते हैं? व्हाट. व्हाट माने क्या? आंसर है या क्वेश्चन है बताइएगा. What will he? What will? Subject क्या है? He be doing this time. What will he be doing this time? वह समय क्या कर रहा होगा? Interrogative negative sentence. WH family will share subject. Subject के बाद में not position ले लेगा P not plus B plus B4 मतलब V1 ING plus object.
मेरे पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे, मन था छुट्टी मार दी, सोचते रहो क्यों नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा, वाई डब्ल्यूएच फैमिली, क्यों बीच में आया ना तो डब्ल्यूएच का एग्जाम्पल हुआ, वाई विल माई फादर, वाई विल माई फादर नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, वाई विल माई फादर नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। तो ये छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने फ्यूचर टेंस के दो पार्ट पढ़े, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। कल हम पढ़ेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमारा टेंस पूरा हो जाएगा। और परसों सैटरडे को मैं एक आपका कंसोलिडेटेड क्लास दे दूंगी, जिसको मैं कह रही थी कि एक चार्ट की हेल्प से बता दूंगी, तो वो क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, देखिएगा जरूर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये वन वीक से हमने क्लास ली ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे, मंडे ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे लिया था, फ्राइडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे, ओके। होपफुली आपका ये वन प्लस वीक में क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो हो ही जाएगी। टेंसेस में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताएं, इसको समझिए बहुत अच्छे से, क्यों इसको पढ़ाया पहले मैंने, आगे के जो टॉपिक्स थे और ज्यादा, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे आप नरेशंस पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, तो उन सभी में क्या है, ये टेंस का रोल प्ले होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। टेंस से पहले आपको जाना था, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो उससे पहले आपको उनके पार्ट्स पता होने थे, इसलिए मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आप पहचानोगे कैसे कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या कैसे सब्जेक्ट बनता है, कैसे वर्ब होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने टेंस को मतलब इस सीक्वेंस को सेट किया है ताकि आपको आगे के टॉपिक्स जो टेंस पर बेस्ड है मोर ओवर, वो आपको इजिली समझ में आए। सो प्लीज विदाउट हेजिटेशन, वन मोर टाइम आई एम सेइंग कि अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कहीं भी, आप मेंशन करिए कमेंट में, आपको मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगी। तो कल के रेडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, त्योहार मना लिया होगा, ज्यादा मिठाइयां खाके बीमार नहीं पड़ना, फेस्टिव टाइम पे बहुत सारी मिलावट चलती है। सो टेक केयर, बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सी यू टुमारो।